हम गाड़ी लेके जाने चाहते हैं यहाँ से यूके से यूरोप। इतनी महंगी वॉश, जितनी प्राइस नहीं गाड़ी की उससे ज्यादा तो वॉशिंग में लगा रहे हम लोग। ये देख लो एस्टन मार्टिन यहाँ से जा रही है, इस गली में घुसा दिए भाई ने। कैच करोगे? ठीक है, पूरे एक टाइम पे फेंकू? ओके, ट्राई कर रहा हूँ। ये जाएगा नहीं इसके थ्रू। यू गो। कुछ भी कैच नहीं किया यार गगन, क्या कर रहे हो? तो बेसिकली जो वॉशिंग वाली मशीन वो उधर है, वो पूरा घूम के जाना पड़ता है। गगन ने कहा मेरे पास कपड़े लेके जाने के लिए कुछ है नहीं, पॉलिथीन या समथिंग, तुम यहाँ से फेंको। तो हमने यहाँ से फेंका नीचे, गगन ने सब ड्रॉप किए, तो उसे अभी कपड़े वैसे भी धोने पड़ेंगे। ये जो टीवी पे न्यूज आती है इसमें ये भी बताता है कौन से जोन पे और कौन से रोड पे ट्रैफिक जाम है। तो 40 मिनट ट्रैफिक जाम है कोई तो M5 रोड पे, तो इससे आप देख के अपनी प्लान कर सकते हैं क्या सही बात है ट्रैफिक अपडेट टीवी पे। और अभी हम आए हैं सबवे खाने, हमें निकलना था 9 बजे आज बट डिले हो गया क्योंकि कब से ईमेल्स करनी थी मुझे इंपॉर्टेंट वाली। क्या हुआ आपके फूड, आपके तो सबवे में बिल्कुल वेजेस ही नहीं है, आपने ब्रेकफास्ट मेन्यू और मेरे में वेजेस ही वेजेस। ओके, आज हम वापस शोरूम पहुंच गए, पहुंचना था हमें 10 बजे और हम पहुंचे ऑलमोस्ट 1 बजे। ये बंदा बोला कि मैं लंच खाता हूं आप शूट करो, तो गाड़ी थोड़ी गंदी है तो अभी गाड़ी वो धोने वाला है, धुलवाने वाला है बेसिकली, अंदर जाके अभी गाड़ी धुलेगी। तब तक हम वेट करते हैं, थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं गाड़ी के लिए। साइलेंस है एकदम, आवाज एक आवाज नहीं आती। बहुत एक्साइटेड हूं मैं एक्चुअली होंडा के लिए, मैं इतना कभी एक्साइटेड हुआ ही नहीं कोई भी होंडा गाड़ी के लिए। अभी बेसिकली गाड़ी धुल रही है क्योंकि काफी गंदी थी। मैं वहाँ पे गया तो देखने गाड़ी धुलते हुए, तो एक बंदा आके बोलता है यहाँ पे आप क्यों हो, यहाँ से निकलो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ सर, मैं तो देख रहा हूँ गाड़ी धुलते हुए। बोलते एक्चुअली ना आपकी इंश्योरेंस नहीं इस एरिया में होने की, अगर कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली जो सर्विस एरिया है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ सर्विस और वॉश वॉश सब होती है, वो क्या बोलते हैं वर्क एरिया है, तो वहाँ पे अलग इंश्योरेंस लगती है। यहाँ पे हर चीज़ में इंश्योरेंस लगती है, अगर मैं सांस भी ले रहा हूँ इसकी भी एक इंश्योरेंस होगी। अभी धुलने में लगभग लगेंगे 5-10 मिनट, तब तक मैं पूरी लास्ट मिनट प्रिपरेशन खत्म कर देता हूँ क्योंकि इस पे एक बम व्लॉग बनाएंगे। सो बेसिकली अभी हम कार रेंटल के पास आए हुए हैं। क्यों आए कार रेंटल के पास? सिंपल चीज है, क्योंकि हम गाड़ी लेके जाने चाहते हैं यहाँ से यूके से यूरोप। उसमें बहुत एम्बिग्विटी हो रही है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है। कोई बोलता है लेके जा सकते हो, कोई बोलता है नहीं लेके जा सकते। इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ही भारी, बहुत महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली हम सोच रहे हैं आमने सामने बात करते हैं, क्योंकि जब फोन पे बात करते हैं बोलता है नहीं लेके जा सकते, कोई बोलता है लेके जा सकते हो, कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है। होंडा का शूट मैं कर रहा था, मैंने उसका वॉक अराउंड कर लिया, थोड़ा सा वॉक अराउंड बाकी, 2-4 पॉइंट्स और बोलने थे और शॉर्ट्स बाकी है, रील्स बाकी है, ड्राइविंग व्लॉग बाकी सब बाकी है। हम करने वाले थे आज बट अनफॉर्चुनेटली एक बंदा आके बोलता है मुझे कस्टमर की टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी को लेके जाना है, तो उसके लिए थोड़ी मना कर सकते हैं। तो बोलते 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो। मैंने ऐसे बोल दिया अच्छे से, हाँ टेक योर टाइम। वो तो लिटरली टेक योर टाइम ही हो गया, गाड़ी आई नहीं एक घंटे तक। फिर मैंने जाके बात की तो बोलते हैं एक और टेस्ट ड्राइव है, थोड़ी बिजी है वगैरह, आप थोड़ा वेट करो। फिर रियलाइज किया 5 बज जाएंगे और सब बंद हो जाएगा, बारिश भी हो रही है, काम करते हैं कल आते। तो मैंने बोला कल आ रहा हूँ, बोलता है नहीं कल मत आना। कल एक बंदा रिचार्ज करके वो गाड़ी लेके जा रहा है होंडा सिविक की ट्रेनिंग के लिए, नई सिविक लॉन्च होने वाले अक्टूबर में, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसके लेके जा रहा है। परसों आ जाओ, परसों सुबह आ जाओ। तो बोला कि 9:30 तक आ जाओ। मैंने गगन को 9 बजे बोला, क्योंकि गगन रोज आराम से सुस्ती में पता नहीं क्या उठ तो जाता है 5-6 बजे लेकिन कभी टाइम पे निकलता नहीं। तो इसी चक्कर में मैंने कहा कि गगन को कि 9 बजे पहुंचना है, ऐसे करेंगे तो एटलीस्ट 9:30 तो पहुंचेंगे, फाइनली उस दिन शूट तो हो जाए। क्योंकि मतलब पोपट हो गया यार, मूड खराब हो गया, गाड़ी का शूट नहीं होना एक कम्प्लीट आज। अब चलो कुछ खाएंगे, दोपहर हो रही है रफली, क्या बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है। गजब कंफ्यूजन हुआ, हमें गलत ऑर्डर दे दिया, गगन ने किसी और का पेमेंट कर दिया, वो भाई हमारा ऑर्डर लेके घर चले गए और हम यहाँ पे वेट करें कितने टाइम से। जैसे हमारा ऑर्डर जो है 0.4 पेंस ज्यादा था, 0.4 यूरो ज्यादा था, तो हमारा 0.4 का लॉस हुआ, पाउंड फायदा हुआ। क्या बात है, ये सही क्या आपने, मजा आ गया। ये मैकडॉनल्ड्स है और यहाँ पे इतनी गर्दी कैसे हो जाती है, ड्राइव थ्रू में इतने लोग आ जाते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतनी गर्दी मैकडॉनल्ड्स में, मतलब यहाँ पे और कुछ खाना नहीं मिलता लगता है। अब यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में फ्री पार्किंग है लेकिन सिर्फ 90 मिनट के लिए, 90 मिनट से ज्यादा आप रहे तो शायद आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं हमारे लिए फ्री पार्किंग है, वरना यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैन होता है, 2 घंटे तक फ्री में रह सकते हैं। 2 घंटे के बाद सीधा लगता है 15 पाउंड, मतलब लगभग 1400 रुपए, चाहे आप 2 घंटे रहो या 20 घंटे रहो, 2 से 24 घंटे के लिए 15 पाउंड लूट लो। फाइनली 4 दिन बाद रूम साफ नहीं हुआ, तो आज हमने बोला रूम साफ कर ही दो। टाइम बज रहे हैं 8:30, हमें निकलना था 6 बजे बट आज हमने डिसाइड किया था 6 बजे निकलेंगे, इसलिए हम 8:30 निकल पा रहे हैं। अगर हमने डिसाइड किया था 8:30 निकलेंगे तो हम 10:30 निकलते, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुमराह करना अपने माइंड को। तो आज क्या जल्दी है, बेसिकली हमें इस गाड़ी को शूट करना है क्योंकि कल रिटर्न करनी है गाड़ी और यहाँ से शूट लोकेशन 2 घंटे दूर है आराम से, मतलब अच्छी लोकेशन वगैरह शूट करें 2 घंटे दूर है। पर पहले हम रेंटल कार जाएंगे, आखिर हमारी प्लान थी कल 24 यूके छोड़ने की, लेकिन अब प्लान थोड़ी चेंज हो रही है एज यूजुअल।
एयरपोर्ट पे पार्किंग बहुत महंगी, तो मैंने गगन को एयरपोर्ट ड्रॉप किया था कि वो रेंटल कार देख सके। मैं पेट्रोल पंप पे आया, यहाँ पे पार्क किया है, आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पर अगर आप 45 मिनट से ज्यादा रुके तो आपको 100 pounds मतलब 9,500 का फाइन लगेगा। इतनी बड़ी कंट्री बट पार्किंग फ्री है ही नहीं। इंडिया चलो वापस। अब आगे स्वाद, अगर यहाँ पे बैठ के खाओगे तो और महंगा, लेके जाओगे तो सस्ता है, ये क्या लॉजिक है। अभी फ्यूल भराने का टाइम आ गया है क्योंकि आउट ऑफ फ्यूल हो गए हम वापस। खुद ही भर रहे हैं फ्यूल हम अभी। गगन इज फिगरिंग आउट वॉशिंग। ये क्या चिल्लर दे रहे हो मुझे? तो यहाँ पे लिखा तो है मशीन में 1 pound or 2 pound भी एक्सेप्ट करता है। 1:15 हो गया, अभी 2:30। चलो लग जाओ काम पे। पहले 3 number, अब आप 3 number यही पे चलोगे? आपको अलग अलग करना था क्या? दबाओ 3 number। हॉट फोम चालू हो गया, गो फॉर इट। अरे भाई चालू करोगे जल्दी? आपको दोनों कॉइन नहीं डालनी थी, एक ही कॉइन डाल दे। और पूरी गाड़ी धोनी है भाई, एक ही पे अटक गए आप। 1 pound डाला आपने फिलहाल? 1 pound में 2:30, मतलब पहले वाले से बेटर है ये। गाड़ी तो ठीक ठाक धुल रही है लेकिन आपके जूते गंदे हो गए ऐसा लग रहा है। 1:15 बाकी है, जल्दी कर, बहुत स्लो चल रहे हो तुम यार गगन। इतनी महंगी वॉश, जितनी प्राइस नहीं गाड़ी की उससे ज्यादा तुम वॉशिंग में लगा रहे हम लोग। जल्दी गगन, वी हैव ओनली 10 seconds। 9, 8, 7, अच्छे से मारो, अच्छे से। अरे जल्दी घुमा दो, अरे मुझ पे भी मार दो जल्दी से। नहाना धोना हो जाएगा फट से ही। शाबाश बेटा। और ये 3 seconds में 3, 2, 1 बंद। बहुत जल्दी बंद करते हैं सारे, हम लोग देसी हैं। तो इवन दो ये बंद हो गया, हम फिर भी इसको यूज करेंगे थोड़ा और हाथ मारने के लिए। बात तो सही है। चलो ये पानी 2:30 में हो जाएगा कि आप 1:15 में कर लोगे? ये हुई ना बात, पैसे बचाने वाली बात। 300 में पूरी फुल वॉश हो जाएगी। अच्छा अंदर का क्या करोगे आप? अंदर का भी तो आपको करना है क्लीन। मैं नहीं दे रहा कॉइन, चलो हाँ। बोलता है ऐड मोर कॉइंस टू स्टार्ट, वो एक कॉइन में स्टार्ट नहीं होता। नोप। अच्छा मिनिमम मतलब अपने को 2 pound देना ही पड़ेगा। 1 pound देना ही पड़ेगा। यहाँ पे डालता हूँ मैं। हाँ अब चालू होगा। मैं आपको भी नहीं ला सकता इतना टाइम है। हाँ बहुत टाइम है अभी। कोल्ड ड्रिंक्स, हियर वी गो। फोर थ्री टू वन जीरो और बंद। और आप 1:15 में करना चाहते थे, डबल टाइम में ठीक से नहीं वॉश की। अब इस महीने आपको पगार नहीं मिलेगी इसकी। अभी हॉट वैक्स स्टार्ट किया है, ये तो पानी चल रहा है भाई, ये कहाँ हॉट वैक्स हुआ, ये तो KLPD हो गया। क्या अलग है, इसे गाड़ी थोड़ी ड्राई होने वाली है। मतलब अलग अलग टाइप के स्प्रे और पैसे ले लो इसके नाम पे। सही है यार, लूट मचा के रखी है। मतलब बेसिकली 300 गए इस गाड़ी में, वैसे इतनी महंगी थी और अभी 300 की वॉशिंग भी करा दी हमने। और जब तक हम लोग लोकेशन पहुंचेंगे शूट करने के लिए वापस गंदी हो जाएगी। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लॉन्डीज मिलती हैं। ए गाड़ी स्टार्ट कर। मतलब इसका नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है लॉन्डीज। थारा मूड खराब कर दिया। खाओगे आप लॉन्डीज में या आप लॉन्डीज खाओगे? आर यू श्योर फिट हो जाएगा? लग कर रहा है, क्योंकि इसमें तो नो चांस फिट होने का। इसमें तो हो भी जाएगा, और वैन अवेलेबल है ही नहीं बिल्कुल। KFC आके आप वीगन मील खा रहे हो, क्या हुआ? ये दिख रहा है गेट ऑटोमेटिकली खुलता है, ऑटोमेटिकली बंद होता है, तो यहाँ पे कुछ अलग ही सीन है। अभी हम यहाँ पे कोई छोटी सी जगह आए हैं रेंटल लेने, देखते मिलेगी कि नहीं। अभी हम एक और रेंटल कार एजेंसी के पास आए हैं, वो दिख रही है सामने जो फोर्ड घूम रही है व्हाइट कलर की, उसमें शायद सामान हमारा फिट आ जाए। उसमें क्या ना, पीछे की जो तीनों सीट्स है ना अलग अलग रिक्लाइन होती है, तो बीच वाली रिक्लाइन करके हम सामान फिट कर सकते हैं। ये पुमा में रेंट पे लेनी थी और अभी बात चल रही है थोड़ी बहुत ईमेल पे, शायद कहीं गाड़ी हमें मिल जाए शूट करने के लिए, देखते हैं अब क्या होता है। ये स्कोडा सिटी को क्या पता है? सबवे की वैन। हाँ सबवे की वैन है स्कोडा सिटी को। टू व्हीलर अलाउड नहीं है, सबसे सस्ती गाड़ी उठा लेते हैं। एक सबवे खाने के लिए आपने इतना घुमाया, पूरा UK घुमा डाला। तो बेसिकली इस गली में गाड़ी अलाउड ही नहीं पार्क करना, आप ऐसे पार्क नहीं कर सकते, कुछ रजिस्ट्रिक्शन है। बाय द वे अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर पुरानी है या गाड़ी डीजल है, तो कोई कोई जोन ग्रीन जोन होते हैं, वहाँ पे आपसे एक्चुअली चार्ज करें ये लोग 8 pound 10 pound क्रॉस करने के लिए। ये देख लो एस्टन मार्टिन यहाँ से जा रही है, इस गली में घुसा रही है भाई ने, और पीछे पीछे एक फोर्ड चल रही है। यहाँ पे बहुत फेमस है फोर्ड। यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स दिखती हैं। किधर घूम गए आप? छोटे से टाउन, ठीक टाउन है यार। वापस सबवे पे पहुँच गए आज हम। यहाँ पे ना लर्नर जैसे चिपका देते हैं ऊपर एल करके। गाड़ी साफ करने के बाद अभी गगन गाड़ी गंदी करना चाहते हैं, क्यों? यस, ऐसे घास है यहाँ पे, मिट्टी नहीं उड़ेगी।
लोनावला आ गए हम लोग। सो लगभग एक घंटे इधर उधर घुमाने के बाद गगन ने फाइनली एक स्पॉट ढूंढ ही लिया। वो एक घंटे के अंदर गाड़ी की माइलेज 80 माइल से कम हुई है, मतलब ये सबसे महंगा शूटर है, उसमें व्यूज भी नहीं आने वाले। ये बताइए आप कहां से ऐसी पागलपन ढूंढ के ले आते हो? क्या है भैया? अरे बहुत बड़ा कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है ये। फाइनली कठिनाइयों के बाद शूट हो गया खत्म। थोड़ी बहुत धूप आई थी बीच में, गायब होगी वापस। गगन अभी शूट करेगा फिर हम ड्राइव व्लॉग करेंगे। टाइम एक्चुअली 7 बज रहे हैं, धूप बहुत लेट जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पे 2-3 इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली। बेसिकली कुत्ते यहाँ पे अलाउड नहीं। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि यहाँ पे मूडलैंड बर्ड्स हैं, तितर बोलते हैं, जो वो ना कुत्तों को खराब कर देगी या उनका जो भी हैबिटेट। तो यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है कहाँ कहाँ कुत्ते जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते। नो कैंपिंग, कुछ हो तो पुलिस को बुला दो, सब सेफ रखो, तभी इतना बेहतरीन है। कैसे बनते आप इतने ऑर्गेनाइज बताइए कैमरा को भी। सर मैंने इसका कोर्स किया है सर बचपन से ही कोर्स किया है सर मैंने इसका। तो बेसिकली लाइट ऑलमोस्ट जा रही है। गगन अभी ट्रांसफर करें फुटेज अपने कैमरा से अपने लैपटॉप पर, और जो इसका कार्ड था वो ड्रोन में डाल दिया। इसमें कार्ड ही नहीं, ये इंटरनल मेमोरी में चल रहा है। ड्रोन हमें उड़ाना ही नहीं आज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 7:30 में अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, 8:15 तक नहीं होता, हम उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। मजा आया आपको? पीछे बिठा के मुझे टॉर्चर किया, मुझे लगा अभी पलटने वाली है गाड़ी। वो बम पे जो स्पीड पे ले गए आप, बस ऐसे लगा कि गए आज तो। चलो अभी ड्रोन उड़ा जल्दी से। आपके पीछे बैठने वालों को भी ऐसा लगता है। मैं तो बहुत आराम से चलाई आज, पता है, एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ। और अभी 9 बज गए हैं और हम भराने आए हैं फ्यूल। ऑन द वे भरा है, विलेज साइड में भरा हो ना तो 10 रुपए सस्ता पड़ता है, हाईवे पे एक्चुअली 10 रुपए महंगा पड़ता है। तो ये गजब वो है, हमें फ्यूल इसलिए भराना पड़ रहा है क्योंकि कल रिटर्न करेंगे ना, तो उसके लिए जितने फ्यूल में दिया था उतने वापस देना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हुई ना, हमने बहुत ज्यादा गाड़ी को चलाया, खींचा पीछा कट हो रहा, क्योंकि आपने पूरे अंधे से नहीं डाला नोजल पूरा। अब नहीं कट होगा, अब खींचो देखो। ये प्रॉब्लम मेरे साथ सुबह को हुई हुई है इसलिए मुझे पता है, क्योंकि वो आपके वॉलेट को सेंस कर रहा है कि आप कितना पे करोगे। तो एक्चुअली गग ने बहुत टाइम पास किया इधर घुमाने की कोशिश में, लोकेशन के चक्कर में, इसलिए फ्यूल जब्त। अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं, खाने नहीं आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट, हम आए हैं करने यस सुसु करना। बिकॉज जहाँ पे भी हम फ्यूल पंप वगैरह पे रुके वहाँ पे तो फैसिलिटी नहीं थी, बोलते हम करते ही नहीं, हम तो एलियन लोग हैं। और ये खड़ी सामने सुजुकी जिमनी। तो आपको कैसा लगा 500 रुपए देने के लिए? 2 दिए लोगे, 2 पीस दिए अनियन भाजी के, एग्जैक्टली 2। अरे बना बनता ना, बस माइक्रोवेव किया ले आए। क्या है, आप पहले प्लेट साफ करो अपनी, है क्या एग्जैक्टली है? मुझे लगा कि उस पे निशान लगे हैं, बट वो अंदर से प्लेट बनी है ऐसी है। कि एक्चुअली मखाना है इसमें? मैंने भी कभी नहीं खाया मखाना मटर। मखाना मटर क्या अजूबा है। कैसा लग रहा है आपको एक ब्यूटीफुल रूम में घुसने के लिए? 4 दिन बाद फाइनली वॉश हुआ है, मतलब क्लीन हुआ है। अब दोबारा वैसे मत बना देना जैसे अब हमेशा करते हो, मुझे लग रहा है ऑलरेडी होने वाला है। आप बस बताओ कौन सी गाड़ी चलाओगे? चलो अभी यूट्यूब चैनल ये मुझे दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज हम बात करेंगे होंडा ई के बारे में। हाँ, यहाँ का वड़ा पाव बहुत ही ज्यादा गोरा है क्योंकि ठंड में ना टैन नहीं होता कुछ भी।